पाकिस्तान इंटरनेशनल फ्रेड फॉरवर्डर एसोसिएशन फीफा का लॉजिस्टिक इंडस्ट्री की बेहतरी और डेवलपमेंट के लिए अलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर के मकामी होटल में कनेक्टिविटी डायलॉग कोलैबोरेशन विद डेवलपमेंट ऑफ लॉजिस्टिक इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान जुलाई 2023 के नाम से अजीम शान सेमिनार का इनका किया गया, जिसमें तमाम एयरलाइंस के रीजनल हेड को मधु किया गया था। प्रोग्राम के चीफ गेस्ट बाबर बरात, साबक सदर फियाटा और जेर सदारत बिलाल रहमान चेयरमैन फीफा थे। तकरीब में फीफा के वाइस चेयरमैन राणा तारक महमूद, वाइस चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ, साबक चेयरमैन फीफा मोहम्मद जमील अहमद, मोहम्मद इलियास चौधरी, मोहम्मद अरशद, असदुल्ला खान, सैफुल्ला खान, असगर मलक, मोहम्मद अमजद, तौकीर लोधी, फरहान सलीम, शकील अहमद, डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर दी यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी समेत कराची, फैसलाबाद, सियालकोट से फीफा मेंबरान की कसीर तादाद ने शिरकत की। बाबर बरात, बिलाल रहमान, राणा तारक महमूद, मोहम्मद जमील अहमद, ताहिर मलक, शकील अहमद और दीगर मुकर्ररीन ने तकरीब से खताब करते हुए फीफा की परफॉर्मेंस, एजुकेशन, ट्रेनिंग, सेमिनार्स, मीटिंग्स की तफसीलात और एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के मसाइल को उजागर किया और उन्हें हल करने के लिए हिकमत अमली तय की गई। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ओहदेदारान का कहना था, लॉजिस्टिक्स और स्मार्ट लॉजिस्टिक्स, एफिशिएंट लॉजिस्टिक्स जो है वो हर इकॉनमी की जड़ होती है। आपको जैसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए एनर्जी चाहिए होती है और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए आपको पानी चाहिए होता है, वो उसी तरह इन दोनों के जो प्रोड्यूस निकलता है, प्रोड्यूस और प्रोडक्ट जो निकले उसको पहुंचाने के लिए कंजम्पशन पॉइंट पे आपको स्मार्ट लॉजिस्टिक चाहिए। जिस मुल्क की लॉजिस्टिक्स ठीक नहीं है, स्ट्रांग नहीं है, वो बहुत मुश्किल है उसका काम का, इकॉनमी का चढ़ना। फीफा एक बड़ी स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है, उसकी ग्लोबल लिंकेजेस हैं, उसकी ग्लोबल प्रेजेंस है, पाकिस्तान के पास सदारत भी इसकी रही है फियाटा की, जो कि मैं वहाँ पर आऊँ तो उसमें वी हैव सीन अ लॉट ऑफ वर्क हैपनिंग। ट्रेनिंग का हमारा बड़ा एक स्ट्रॉन्ग बेस है एंड तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि हम इसको पुश करें, हुकूमत से हम डील करें, जो भी हुकूमत हो उनके साथ हम बैठ के बात करें। वी फेल्ट कि देयर इज़ अ नीड कि हम एयरलाइन इंडस्ट्री के साथ एंगेज कर लें, स्पेशली एयरलाइंस, फॉरेन एयरलाइन जो यहाँ पे रिप्रेजेंट थी आज। तो एक इनिशियल एक फर्स्ट स्टेप है एंड वी वुड लाइक टू कैरी ऑन दिस कॉन्वर्सेशन वेयर बाय देर आर मैनी एरियाज वेयर वी कैन कॉपरेट टुगेदर, देर मैनी फैक्टर्स विच अफेक्ट एयरलाइंस एंड आस एज फॉरवर्डर्स इक्वली। सो उन एरियाज़ पर हम अपना कॉपरेशन बेहतर करेंगे इंशाल्लाह और हाउ टू इवन वर्क टुगेदर फॉर बेटरमेंट ऑफ ट्रेड इन जनरल। तो ये कुछ काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसपे होपफुली आफ्टर दिस वी विल हैव मैनी मोर सेशंस एंड देन दैट शुड रिजल्ट गुड आउटकम फॉर एवरी ऑल द स्टेक होल्डर्स। ये बहुत लर्निंग इंस्टीट्यूशन है, मैं खुद एज ए तालिब इल्म समझता हूँ कि जितना काम फीफा इसमें कर रही है किसी और चीज़ में नहीं कर रही है। राइट फ्राम द बिगनिंग आपके बेसिक कोर्स हो रहे हैं, डी जी आउट कोर्स हो रहे हैं और बहुत सी चीज़ें जो हैं, हज़ारों की तादाद में माशाल्लाह स्टूडेंट जो हैं वो इससे मुस्तफीद हुए हैं और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा हमारी अपनी इंडस्ट्री को हो रहा है। आप किसी बच्चे को ट्रेन करके भेजते हैं इस इंडस्ट्री में तो वो आपके लिए पहले दिन से बड़ा फाल करदार जो है वो अदा करना शुरू कर देता है। तो हैट्स ऑफ टू ऑल आवर जो एजुकेशन के लोग हैं, जिसमें रज़ा फरूकी साहब हैं कराची से और लाहौर से फैसल साहब हैं जो इंस्ट्रक्टर हैं और दूसरे बाकर साहब हैं, और इन सब में ज़्यादा जो रोल है लाहौर में स्पेशली असदुल्ला खान साहब जो हमारे ईसी हैं, कन्वीनर हैं इसमें, इसके अलावा जमील साहब का बड़ा हम रोल है। फीफा का जो प्लेटफार्म है माशाल्लाह से फीफा पाकिस्तान इंटरनेशनल फ्रेड फॉरवर्ड एसोसिएशन 2004 से ये इस्टेब्लिश है। सी में तो ऑलरेडी हम लोग काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे थे ओशियन लॉजिस्टिक्स में, सारी कंटेनराइज मूवमेंट में, एलसीएल मूवमेंट में, हर जगह पे। और ये आज की कनेक्टिविटी जो रीजनल कनेक्टिविटी थी, इसके लिए ये था कि हम फीफा को एयर में भी एक्टिव करें। तो एयर लॉजिस्टिक में तमाम एयरलाइंस को यहाँ पे आज हमने उनके जो रीजनल हेड्स हैं उनको मधु किया था, उनके साथ में उनके जो स्टाफ मेम्बरान हैं उनको भी, ताकि हमने फीफा के बारे में बताया उनको और दे पीपल आर वेरी हैप्पी कि जी फीफा जो कि इस वक्त प्लस 900 मेम्बर्स की एक एसोसिएशन है और वो इस पर काम कर रही है। ऑलरेडी जो है फोकस किया हुआ था फीफा ने उसके ऊपर, ओशन के ऊपर, अब एयर लॉजिस्टिक के ऊपर भी, और रीजनल कनेक्टिविटी डायलॉग उनके साथ हुए हैं। हमने अपनी ट्रेनिंग एंड एजुकेशन के बारे में उनको बताया, मेंबरशिप्स के बारे में बताया, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के बारे में बताया और सारी चीज़ें हैं जो कि जो एयरलाइंस इंडस्ट्री के साथ जो हमारे इश्यूज़ आ रहे हैं
कुछ चीज़ों के ऊपर जो कि एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर के अल्टीमेट इश्यूज़ हैं उनको हमने हाईलाइट किया है और उसमें उनको काफ़ी अवेयरनेस हुई है और उन्होंने हमें फीडबैक दिया। अब हम इनके साथ बैठेंगे इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ और इसमें फिर मज़ीद जो है इनको इसमें इसकी जो है ना बेहतरी के लिए इसकी डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे। तकरीब के आखिर में मेहमानों में शील्ड और समीनेट भी तकसीम की गई।